नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। भद्रावती शहर में व्हाट्सएप ग्रुप पर समाज में तेड़ पैदा करने वाली पोस्ट डालने के बाद भद्रावती व्यापारी संगठन ने एक रैली निकालकर सभी दुकानों को बंद किया। इस रैली में सभी पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। में पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों के साथ ऑनलाइन सफारी बुकिंग में धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत दुर्गापुर पुलिस थाने में शिकायतकर्ता ने दर्ज की थी, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मामले में वन विभाग अनजान कैसे, ये सवाल अभी पूछा जा रहा है। जहां पर अच्छे अच्छे अपराधियों को पसीना छूट जाता है, ऐसे पुलिस थाने में एक तेंदुए ने घुसकर पुलिस कर्मियों के सामने एक श्वान का शिकार करने का अपराध पुलिस की आंखों के सामने हुआ। हालांकि उस वक्त पुलिस के माथे पर भी पसीना आ गया, ये अलग बात है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भद्रावती तहसील के चार गांव के वर्धा नदी से अवैध रेत तस्करों द्वारा रेती की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, मगर शुक्रवार की रात को शाम 7:30 बजे महसूल विभाग के अधिकारियों ने रेती से भरा हुआ एक ट्रैक्टर बरामद किया। महीने भर में इक्का दुक्का एक दो ट्रैक्टर पर कार्रवाई होती थी, लेकिन बाकी के दिन धड़ल्ले से अवैध रेत तस्करी जोरों पर की जा रही थी। नागपुर शहर में पैरोल पर छूटे एक अपराधी ने बाहर आते ही एक महिला तथा उसकी 14 साल की बच्ची पर अत्याचार करने का मामला सामने आया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी ये अपराधी जब बाहर आया था, तब भी इस अपराधी ने इसी महिला तथा उसकी बच्ची के साथ कुकर्म किया था। इस शादी और फेस्टिवल के सीजन में अफोर्डेबल किड्स वेयर और लेडीज वेयर हर इंसान ढूंढ रहा है, इसीलिए लुलू मॉल आपके लिए है बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। यू गेट एक्सट्रीमली वाइड वैरायटी एंड मटेरियल अवेलेबल हियर, हर बजट में अवेलेबल। वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल, चंद्रपुर का लुलू मॉल सबके लिए है परफेक्ट। ग्लैमरस बॉल गाउन, पार्टी वेयर ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेसेस, किड्स वेयर, वन पीस गाउन, लाचा, लाचा मटेरियल, थ्री पीस सेट, कोट सेट और ट्रेडिशनल में आलिया पैटर्न, नायरा पैटर्न, लाचा, शॉर्ट टॉप, कुर्ती, जीन्स, पार्टी वेयर, दुपट्टा एंड मोर। इन शॉर्ट आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल है यहाँ पर, और वो भी सारे साइजेस में। तो विजिट जरूर कीजिए लुलू मॉल राइट नाउ। घटना नागपुर शहर की है, जहां पर झुग्गी बस्ती में रहने वाले 22 उम्र के मोहम्मद सरफराज आलम ने एक 9 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने साहस दिखाते हुए वहां से भाग निकलने में सफल हुई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर से मद्रास की ओर रेलवे के पहिए ले जाने वाला ट्रक जैसे ही राले गांव के पास आया, उसी समय शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रक पूरी तरह आग में जलकर खाक हुआ। नसीब से इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। कुछ दिन पूर्व चंद्रपुर में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के पदाधिकारी शिवा वाजरकर की हत्या की गई थी। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने मृतक शिवा वाजरकर के निवास पर जाकर उनके परिवार का ढाढ़स बंधाया, साथ ही पुलिस अधीक्षक को महत्वपूर्ण सूचना भी दी। कोरपना तहसील के पीपरी गांव में एक 7 वर्षीय बालिका जिसका नाम युवानी तिखट है, उसे बचपन से ही सुनाई नहीं देता था और जिसके लिए उसके माता पिता परेशान थे। इस बात का जब चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी को पता चला, तब उन्होंने इस बालिका के लिए एक मशीन उपलब्ध करा दी। उसके बाद इसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट, मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।